वहीं पानीपत के डिपो होल्डरों और खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टरों पर गरीबों का राशन हड़पने के विरोध में पूर्व पार्षद जोगिंदर स्वामी ने कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया है और खाद्य आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल जन आवास सोसाइटी के प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में डिपो होल्डर विभाग के इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर गरीबों का राशन हड़प रहे हैं। मुस्लिम कार्ड होल्डरों में फर्जी हिंदू नाम चढ़ाकर सैकड़ों राशन कार्ड में नाम बदलकर राशन में घोटाला किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर खाद्य पूर्ति अधिकारी अनीता खर्प ने कहा कि मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। हमने आज डीएफएससी को ज्ञापन देकर के मांग की है कि जिस प्रकार से आपके डिपो धारक और इंस्पेक्टर्स जो आपके विभाग में हैं उनकी मिलीभगत से राशन कार्डों में जो WAY है, OPH है या BPL के हैं जिनसे राशन निकलता है उनके अंदर इंस्पेक्टर की आईडी से दूसरे आधार कार्ड को लिंक करके जहां चार आदमी है तो इसमें पांच छह आदमी को और लिंक कर दिया जाता है, उसको राशन निकाल लिया जाता है। जो ज्ञापन दिया है इसमें कितनी सच्चाई है जांच के बाद ये पता लग जाएगा, और अगर इसमें जो इनके आरोप हैं अगर वो सच पाए जाते हैं तो जो भी दोषी होगा चाहे वो डिपो धारक हो चाहे वो विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी हो उन सभी के विरुद्ध वांछित कार्रवाई की जाएगी।